हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ लस्ट। माई सेल्फ ऋतिक, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ DU, एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट विद द केस टाइटल गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को पढ़ते हैं। इसमें होता क्या, गौतम नवलखा एक जर्नलिस्ट होता है जो ना मेनली दलित और जो आदिवासी होते हैं उनके राइट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इसे महाराष्ट्र पुलिस पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगे होते हैं कि इसने कास्ट बेस्ड वॉयलेंस जो है उसे सपोर्ट किया है, उसे इंसाइट किया है अपनी स्पीचेस के थ्रू, जिसके कारण जो भीमा कोरेगांव एरिया है वहाँ पे कुछ वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिले हैं। इसे कस्टडी में लिया जाता है और इसके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम होते हैं बोथ अंडर IPC एंड अंडर UAP एक्ट। जो इसका डिटेंशन का पीरियड होता है ना वो 90 डेज को क्रॉस कर जाता है, जिसमें 34 दिन जो है 34 डेज वो हाउस अरेस्ट के होते हैं, 11 दिन जो होते हैं वो पुलिस डिटेंशन के होते हैं अंडर NIA, और बाकी का जो पीरियड होता है वो जुडिशियल डिटेंशन का होता है। इसके बाद जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये चार्जशीट फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगती है स्पेशल कोर्ट से, और इस बीच जो अपेलेंट है गौतम नवलखा ना कोर्ट को अप्रोच करता है फॉर डिफॉल्ट बेल, ये क्लेम करते हुए कि जो इसका हाउस अरेस्ट का टाइम है ना वो भी इसकी डिटेंशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए और उसके बेसिस पे इसे डिफ़ॉल्ट बेल मिलनी चाहिए। क्योंकि लोअर कोर्ट तो इसके इस कंटेंशन को सपोर्ट नहीं करते, और इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है डिफ़ॉल्ट बेल क्लेम करने के लिए। और यही इस केस में इशू है कि जो हाउस अरेस्ट का जो ये पीरियड होता है ना, क्या जब हम पुलिस या जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC, तो जो हाउस अरेस्ट का पीरियड है ये भी उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ पॉइंट्स हाइल करती है। चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला तो इसमें कोर्ट बोलते हैं कि ना, जब भी आप हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दे रहे हो ना, जब भी मैजिस्ट्रेट हाउस अरेस्ट का ऑर्डर देता है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कंसिडरेशन में रखना चाहिए, जैसे जो एक्यूज्ड है या जो भी आदमी जिसे हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है उसकी एज कितनी है, जिस ऑफेंस के लिए उसे हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है उस ऑफेंस का नेचर कैसा है, और जो एक्यूज्ड है इसके एंटीसीडेंट्स हैं जो उन्हें भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए, और भी बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें कंसिडरेशन में, जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उन्हें कंसिडरेशन में रखना चाहिए जब भी एक मैजिस्ट्रेट हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दे रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें कोर्ट कहती है कि भले ही हाउस अरेस्ट एक नया कंसेप्ट है और ये पहले कोर्ट्स ने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम कस्टडी की बात करते हैं अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC कि उसमें फॉल नहीं करे, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक कस्टडी के इंग्रेडिएंट्स है ना और हाउस अरेस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों में आपकी कहने की जो लिबर्टी है वो कर्टेल होती है। लेकिन अगर आपने 167 ऑफ CRPC पढ़ा होगा सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली, तो उसमें ये है कि जो ये कस्टडी के ऑर्डर हैं या जो इस डिटेंशन के ऑर्डर हैं ये स्पेसिफिकली मैजिस्ट्रेट ही दे सकता है, और तो इसी में हाउस अरेस्ट का जो ऑर्डर होगा वो भी मैजिस्ट्रेट ही देगा। ये दो ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन प्रेजेंट जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना पहले तो जो मैजिस्ट्रेट है उसने डिटेंशन के ऑर्डर दिए, इनिशियली दो दिन के डिटेंशन का ऑर्डर दिया मैजिस्ट्रेट ने, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट थी वो उसे इलीगल डिक्लेयर करती है और दिल्ली जो हाई कोर्ट है वो हाउस अरेस्ट का ऑर्डर देती है। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें जो ऑर्डर था ना, वो एक तो जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसके फर्दरेंस में नहीं था, और जो इंग्रेडिएंट्स या जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए सेक्शन 167 के अंडर वो भी फॉलो नहीं हो गया था। और मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बताया था कि जो सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में जो कस्टडी का ऑर्डर होता है वो स्पेसिफिकली मैजिस्ट्रेट देता है, और इस केस में जो ऑर्डर दिया था लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे हाउस अरेस्ट उस पीरियड को 34 डेज के पीरियड को हाउस अरेस्ट के अंदर कंसीडर नहीं करती, और इसलिए जो डिफॉल्ट बेल की कंटेंशन होती है इसमें अपेलेंट की वो खारिज हो जाती है। यही मेन पॉइंट्स है इस केस में। और कैसे लगी आपको हमारी जजमेंट, ये पूरी केस मैट की सीरीज़ हमें बताइए, और ऐसे हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।